जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ डाला था कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। एक जगह ये विधान परिषद में चला हुआ था, किसी ने आवाज उठाई थी कि क्यों ना बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है ऑनलाइन कर दिया जाए। ठीक है, ये आवाज आया था। कुछ लोग उसके पक्ष में थे, कुछ लोग उसके विपक्ष में थे। लेकिन चलो, वो तो एक मंत्री हैं, उनका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं नहीं लेते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी अगर मैं मान लो, जैसे मान लो एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो इतने स्टूडेंट होंगे फेल, उसको मैं प्रूफ भी करता हूं। कैसे ये हमारी लाइफ, यानी गरीब बच्चों की, जिनके माता पिता मेहनत से पढ़ा रहे, उनका डिस्टर्ब कैसे करेगा लाइफ, ये इस वीडियो में। अगर आपके पास 5 मिनट का समय होगा ना, तो दिल से मैं कह रहा हूं इस वीडियो को देखना। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि नहीं, ये जरूर देखना। आओ, अगर मैं मान लिया कि सरकार ने क्या किया, एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया, तो क्या होगा? देखो, सबसे पहला पॉइंट फेल परसेंटेज बढ़ेगा। कैसे? इसको मैं प्रूफ करूंगा, बाकायदा है, इसको मैं प्रूफ करूंगा कि फेल परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान दो, फेल परसेंटेज बढ़ेगा कैसे? जैसे मान लो दो टाइप के स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है दो प्रकार के हैं। एक तो मान लो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, जैसे स्मार्ट में क्या है, ये मोबाइल भी चला ले रहे हैं, ठीक है, इनको कंप्यूटर भी आता है, और इनके माता पिता के पास पैसा भी बहुत है। अगर नहीं भी आता तो इनके पास लैपटॉप है, सीख लेंगे। मान लिया ऐसे 20% स्टूडेंट हैं, ओनली 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है, ये मान के चलता हूं। बट कुछ स्टूडेंट और बाकी 80% हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ किसी तरीके से किताब खरीद पाते हैं, उनके माता पिता किताब खरीदवा पाते हैं, और कहीं हमारे कोचिंग से सस्ता मिलता है तो ऑनलाइन क्लास दिलवा देते हैं, या तो वो ट्यूशन लगवा देते हैं अगल बगल कहीं। ये दो प्रकार के काम होते हैं, ठीक है बच्चों, दो प्रकार के काम होते हैं। 80% बच्चे हैं इनको, मतलब हो सकता अभी टेंथ में है, मैं टेंथ और ट्वेल्थ दोनों की बात कर रहा हूं, नाइन टू हम ट्वेल्थ बात कर रहे हैं। इस समय गरीब बच्चे जो होते हैं वो मे भी हो सकता है कंप्यूटर उनको नहीं, मैं ट्वेल्थ में था तो मुझे नहीं आता था भाई, झूठ में क्या बोलना, मुझे कंप्यूटर नहीं आता था, अब आता है, मुझे समय लगा, सीखा कहीं जाके, लेकिन उस समय नहीं आता क्योंकि मेरे माता पिता के पास तो सुविधाएं नहीं थी वो दे पाए मुझे कंप्यूटर खरीद के, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो पढ़ा पाते हैं माता पिता, बहुत मुश्किल से तो पढ़ा पाते हैं कि भाई अब उसमें सुविधा मिला कंप्यूटर भी खरीदे भाई, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे पॉसिबल ही नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता। तो जब ऑनलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर पर। कंप्यूटर पर देने का मतलब माउस चलाने आना चाहिए, फंक्शंस आपको क्लिक करने आना चाहिए, टाइम का अब ऐसा तो है नहीं, पूरे दिन समय है। अगर हुआ तो फेल परसेंटेज बढ़ेगा, मैंने प्रूव कर दिया। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो जहां उनको अगर वो पेपर पे होता तो 100 में हो सकता था, 99 क्वेश्चन करके आते हैं, अगर पेपर पे होता तो कॉपी पेन पे, ठीक है, और ऑनलाइन हुआ तो भाई कितना करके आए, सिर्फ मुश्किल से 60 कर पाए, कितना नुकसान हुआ बच्चों का, उन्होंने तो मेहनत किया था टॉपरों वाली, रिजल्ट क्या आया, 60। हालांकि मेरे यहां जो बच्चे जुड़े हैं मैंने इतना तो ट्रेनिंग दिलवा देता हूं कि संडे को टेस्ट कैसे देना, जो भी बच्चे कोर्स में जुड़े हैं प्रॉपर हर संडे को टेस्ट देते हैं, टेस्ट से उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। जस्टवेल क्लासेस पे, जस्टवेल क्लासेस का जो ऐप है बिहार बोर्ड वाला, तो टेस्ट के लिए बहुत बेनिफिट हो जाती है उनका, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट करता है। चलिए, तो फेल परसेंट मैंने दिखा दिया कैसे बढ़ा। अब दूसरा, अब तुम जो पढ़ाई पे समय दे रहे थे, अब सब लोग कंप्यूटर सीखने लगेंगे, ओह माय गॉड, अब कंप्यूटर पे होगा, चल भैया अब एक महीना कंप्यूटर सीखेंगे, टकाटक टकाटक, माइंड बट गया ना हमारा, जहां फोकस डम थे सिर्फ बोर्ड एग्जाम, सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे, क्या थे, बोर्ड एग्जाम पे हम फोकस दे बच्चों, एकदम फोकस्ड थे,
अब क्या हुआ, माइंड बट गया, अब थोड़ा हम कंप्यूटर को दिमाग लगा रहे हैं। इसी समय हो सकता है जो बहुत सारे पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चों का ध्यान भंग हो जाएगा और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनका रिजल्ट खराब हो जाए। दूसरा कंडीशन, अब कंप्यूटर सीखोगे तो पैसा भी लगेगा, तुम्हारे पर प्रेशर आया, अब तुम्हारे माता पिता पर भी प्रेशर इन्होंने डाल दिया, माता पिता पर अलग से प्रेशर हो गया कि भाई प्रेशर तुमने लिया पढ़ाई का, तुम्हारे माता पिता अब बेटा पढ़ रहा है बेटी पढ़ रहा है, अब कहां से पैसा देंगे इतना, भाई बताना है एक विकास सर गलत कहें कहीं भी तो बताना है कि हाँ गलत कह रहे हैं आप, प्रेशर बढ़ा अलग सा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तुम्हारे माता पिता अब जुटाएंगे वो भी पैसा, एक तो स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, अब कंप्यूटर सिखाने का, हो सकता है ये तुम्हारे पढ़ाई के बाद सिखाते हो कंप्यूटर, थोड़ा समय मिल जाता लेकिन समय नहीं मिला, ये भी गया बट है, टाइम लॉस टोटली हो जाएगा तुम्हारा, कम से कम जब एक से वन एंड हाफ मंथ, ठीक है एक से डेढ़ महीना क्या होगा, टाइम लॉस होगा जो कि भरपाई नहीं हो पाए, क्योंकि ये समय है कि हम जस्ट 12 क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अपने 12 टेंथ की तैयारी पर फोकस करें बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा सपना है नंबर लाने का, और हम लाके करेंगे, लाके दिखाएंगे, ठीक है कि नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं, यस सर सही बोल रहा है, तो ये हमारा कहना है। अगर मैं एरिक विकास सर अगर कहीं भी गलत बोला हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपके हित में ही बात की, तो मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैंने गलत बोला हो तो, अगर सही बोला है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आप मेरे साथ है कि नहीं है, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे हैं टेस्ट दीजिए जाके, जस्ट 12 क्लासेस का जो है एप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके संपूर्ण टेस्ट दीजिए सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, क्या मैंने आपके हित में ही बात किया या ऑनलाइन एग्जाम होने दिया जाए, आपकी जैसी इच्छा होगी, जैसा आपने अभी तक कंक्लूजन निकाला बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार सभी साथियों को, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। एक कमेंट जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो पढ़ाई कर रहे हैं 10th और 12th में, और बताइए विकास सर की बात सही है कि गलत, जरूर बताइएगा।